ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। तुम्हें मालूम है हमारे इलाके में वुमेन सोसाइटी के इलेक्शन हो रहे हैं? अच्छा, लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम। यही तो मसला है, जिन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए वो लोग लेते नहीं है, जिनको नहीं लेना चाहिए वो लोग लेते हैं। क्या मतलब? अरे बाबा, तुम जैसी पढ़ी लिखी वर्किंग वुमेन जो बिजनेस भी संभालती हैं, ऐसी औरतों को वुमेन सोसाइटी का लीडर होना चाहिए, ताकि खवातीन और उनके मसाइल पे बात की जा सके। तो तुम लोगों के कहने का मतलब है कि मुझे इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए? हाँ ना। अच्छा तो ठीक है, बस अब मैं इलेक्शन में हिस्सा लूंगी और फिर अपने मोहल्ले की, अपने जिले की, अपने शहर की, और देखना एक दिन पूरी दुनिया की औरतों के मसाइल हल करूंगी। ये बात अब लग रहा है कि कोई लीडर बोल रही है, तुम तो पक्का जीतोगी। और वैसे भी मेरे मुकाबले का है ही कौन यहाँ पर? तोबा, खुदा का खौफ करो, ये जुमला बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लेती कि अभी मैं जिंदा हूँ। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकती? क्या क्या क्या, तुम और मेरे मुकाबले की? देखो बाला, ऐसे बेरे लीडर बनाओगे जिनको एक दफा की बात तो सुनाई देती नहीं है, चले हैं लीडर बनने के लिए। बढ़िया, सारा मूड ही खराब कर दिया इसने तो मेरा। और तुम दोनों का मनोरंजन हो गया हो तो तशरीफ ले जाओ अपनी, ये मजीद सर्कस देखने का इरादा है। तुम तो इलेक्शन से पहले ही ऐसा बर्ताव कर रही हो, बाद में तो ये हमें अपने घर में भी नहीं घुसने देगी। घर में? मैं तो घर के बाहर से भी नहीं घुसने दूंगी, निकलो यहाँ से। सीमा, अब तुम ओवर हो रही हो। क्यों ना हो, पूरी पावर प्ले में हूँ मैं, निकलो यहाँ से, चलो। अच्छा अच्छा, बस जा रहे हैं। बच्चू, अरे बाबा क्या हो गया, बाबा क्या हो गया, छापा तो नहीं पड़ गया कहीं? बच्चू मैं कह रही अपनी बहन को समझा ले। बाबा क्या कर दिया अब उसने? मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रही हूँ और वो मेरी दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। बाबा ये तो बहुत गलत बात है। और ये बात आपने उसको समझानी है। अरे बाबा मैं उसकी नहीं आपकी बात कर रहा हूँ, हद हो गई बाबा, ऐसा काम करने की जरूरत क्या है, यहाँ किसी चीज की कमी है क्या? अकल की? जी हाँ। अरे मैं कोई सियासी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही हूँ, बल्कि इलाके में वुमेन्स क्लब के इलेक्शन है, मैं उसमें हिस्सा ले रही हूँ। क्लब? अरे बाबा ये तो और बुरी बात है। अरे बच्चू ये वैसा क्लब नहीं है, ये सिर्फ मोहल्ले के मसले मसाइल उनका हल निकालेंगे और बस कुछ तफरी हो जाएगी। अच्छा बाबा वो तफरी वाले इलेक्शन? बस प्लीज बच्चू अब ज्यादा बाल की खाल मत जाए और जाकर सीरिया को समझाए। हाँ बाबा ठीक है, आप परेशान मत हो, गुस्सा मत करें बाबा, मैं जाता हूँ उसे समझाता हूँ। हाँ इस जैसी औरतें औरतों के नाम पे दबाएं, ये जो सामने बन सवर कर बैठी है इसका यही काम है। बच्चू यहाँ ऐसे क्या कर रहे हो? अरे बाबा आप बाहर हो तो अंदर कौन है? जरीना। और कौन? और जरीना के कमरे में मेरा क्या काम? बाबा लेकिन आवाज तो जरीना की आपसे बात करने की आ रही थी। खैर मैं अंदर जा रहा हूँ उसे समझाने के लिए। हाँ प्लीज उसे समझाओ। घर से नहीं बल्कि मोहल्ले से, बल्कि दुनिया से निकाल दूंगी। अरे बाबा जरीना तू ये सब क्या कर रही है? अदा मैं इलेक्शन की तैयारी कर रही हूँ। बाबा सीमा के इलेक्शन की तैयारी तू क्यों कर रही है? अरे नहीं बाबा, मैं अपने इलेक्शन की तैयारी कर रही हूँ। मैं भी ना फार्म में अपना नाम लिखवा कर आई हूँ, सीमा के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगी मैं। इसका मतलब है कि तुमसे भी बात करना फजूल है। हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा, चलो शाबाश, अपना जाके काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। जी तो मैम आप लोगों से मुखातिब होकर बात कर रही थी। बच्चू आपने बात की उससे? हाँ नहीं की थी बाबा। आपकी आय बाएं शाएं से लग रहा है कि आपको भी इलेक्शन में हिस्सा ले लेना चाहिए, लेकिन ये वाले नहीं। अरे बाबा तुम बात समझी नहीं होगी,
जानी जानी भाई देखो कौन है। हाँ तो क्या नहीं समझी मैं? असल में आप नहीं समझे और मैं समझ गई हूँ। आप अपनी बहन को एक लफ्ज भी नहीं कह सकते। अरे अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा। वालेकुम सलाम बाबा जानी। जब दरवाजा खुला था तो आपने घंटी क्यों बजाई है? बाबा घंटी इसलिए बजाई कि हो सकता है मेरे लिए कोई इस्तकबाल के लिए आ जाए, लेकिन कोई आया ही नहीं है। हाँ बाबा सही, बैठे ना बैठे, तशरीफ रखिए। बैठ गया, लो मैं बैठ गया। बाबा सही कैसे हैं आप? बाबा मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? बस बाबा जानी आपके सामने। बाबा मेरे सामने तो हो लेकिन वो सीमा परेशान लग रही मुझे, और तुम तो वैसे भी फारिग हो। बाकी रहो जरीना, जरीना तो इलेक्शन की तैयारी में होगी। बाबा नहीं नहीं बाबा सही, जरीना नहीं, मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। हाँ वो तो मुझे मालूम है कि बाबा कि तुम इलेक्शन में खड़ी हो, लेकिन जरीना ने मुझे फोन करके बुलाया है कि मैं भी इलेक्शन में खड़ी हूँ। ये कब हुआ? अरे बाबा बस हो गया। बाबा होता है घर में दो खवातीन वो भी इलेक्शन में खड़ी हो जाए तो ऐसा होता है। अरे सेठ साहब आज तबीयत सही नहीं थी तो घर पे रहते, आ गए आप। देखिए आप एलर्जी से सारा मुंह लाल हो गया। ये हमारा बेटी जो है वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। अच्छा तो इसकी खुशी में मुंह लाल हो गया। लाल है? गुस्से में लाल तो सुना था, खुशी में लाल पहली दफा सुन रहा हूँ। हाँ ये नया लफज है, इसको लिख लो। अच्छा खुशी में लाल, खुशी में लाल है, लाल है। हाँ सलाम ना दुआ। अरे पापा जानी आप कब आते हैं पता नहीं चलता है, कब जाते हैं पता नहीं चलता है। मुझे तो लगता है आप सिर्फ अपने घर कपड़े बदलने जाते हैं। सब बात को छोड़ने का, ये सीमा बेटी किधर गई? इधर ही कहीं होंगी। मेरा बेटी इलेक्शन में खड़ा है ना, उसके लिए आने का मैं। वो तो वुमेन्स क्लब का इलेक्शन हो रहा है, आपको ये शौक कब से हो गया? मैं तेरे को पहले भी बताया ना जाहिल आदमी, मैं अपनी बच्ची को सपोर्ट करने के लिए आए थे। ठीक है पापा जानी, आप सीमा से मिले, मैं जरा जल्दी में हूँ। तो मैं इतना जल्दी में किधर जाने का? पापा जानी एक जरूरी काम है, दोस्तों के साथ जा रहा। अरे अच्छा तुम्हें काम करने का? मेरे लिए चाय पानी का बंदोबस्त करने का। चाय पानी पुलिस में पहले क्या? तेरा मुंह भी लाल करने का। नहीं नहीं मैं लाल आता हूँ। नहीं नहीं है मैं करने का, मैं भी जल्दी में है। अरे बाबा ये 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 बाबा पकड़ो और ये जो है ना पूरे मोहल्ले में बांट देना है, ठीक है? क्या बात है बच्चू, क्या घर घर में दूध बेचने का प्लान बनाया है क्या? अरे नहीं बाबा बकवास मत करो बाबा, वो मेरी बहन नहीं है अदी जरीना। बाबा वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, ये उसके वोट की अपील है। अरे वाह यार बच्चू। बाबा किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। और हाँ ये बाबा खर्चा पानी के लिए ना पैसे रख लो। अबे भाई इस 1000 रुपए में क्या होगा, इलेक्शन लड़ लो और खर्चा नहीं। अरे बाबा ये वो वाले इलेक्शन नहीं है बाबा, ये वो वुमेन क्लब वाले इलेक्शन है बाबा, इसमें पैसा वसूल नहीं होता है। अच्छा बाबा रुको रुको एक मिनट रुको, ये भी पकड़ो बाबा, ये भी बांटना है। लेकिन बच्चू पूरे मोहल्ले में 500 घर हैं, ये सब इतना नहीं होगा। अभी क्या तू भी वुमेन क्लब के इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है? अरे बाबा उल्टी सीधी बातें मत करो, कैसे कर लेते हो तुम लोग ऐसी बातें, मुझसे तो नहीं होती है। खैर बाबा ये वो मेरी बीवी है ना सीमा, उसकी इलेक्शन की वोट की अपील है। बाबा पहले वो वाला बांटना, फिर उसके बाद ये वाला भी सब घरों में बांट देना। और हाँ याद रखना किसी को पता ना चले। यार बच्चू तू खुद तो भाभी बहन का पिटेगा, हमको पिटवाएगा? बाबा कुछ नहीं होगा, बस दोनों काम ऐसे करने हैं कि एक की मशहूरी हो बाबा तो दूसरी को पता ना चले, और दूसरी की हो तो पहली को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ये लो बाबा ये लो, ये बाबा 2000 मजीद है, अब तो काफी है ना। चलो कुछ तो बेहतर है। अरे बाबा एक साथ कभी इतने सारे देखे भी हैं तुम लोगों ने? बच्चू ये 4000 है, 4 करोड़ नहीं। अरे बाबा मैं तो डलाग मार रहा था। तू कुछ नहीं सिर्फ बुंगिया मार रहा है। अच्छा बस अब जाओ और बेफिकर हो जा, तेरी मशहूरी हो जाएगी। अरे बाबा मेरी मशहूरी नहीं बाबा, मेरी बहन की और बीबी की मशहूरी करनी है, ठीक है बाबा? चलो मैं चलता बाबा, आ जाओ आ जाओ। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अच्छा वाह पापा आप आ गए। वहाँ पापा सही ना जरीना के सपोर्ट के लिए आ गए थे, अब मेरे साथ यहाँ कोई भी नहीं था। बच्चू किधर था? बच्चू बच्चू वो तो अपनी सपोर्ट में नहीं बोल सकता, वो है ना भूतनी जरीना। अब हो गया ना।
कैसा मोले है, कैसा है? आखिर आ गया ना तू भी मेरी बेटी की जीत की खुशी में। सीमा भी जो तुम्हारी बेटी है ना, इसकी जीत की खुशी में मौत से ज्यादा तो खुश होगा। अरे बाबा मैं तो जरीना की बात कर रहा हूँ। मैं इसकी कोई बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्या इलेक्शन जीतने वाले की बात कोई नहीं करेगा बाबा? तुम तो सीरियस रह गया, मैं तो मजाक कर रहा था, है ना? हाँ बाबा, थोड़ा सा माजी याद आ जाए तो मजाक भी खुद ही आ जाता है। बाबा सही, आपको किसी को कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है, जीतूंगी तो बाबा मैं। हाँ हाँ, हम तो यहाँ पे आलू छीलने के लिए आए ना। देखो सरीना, मैं साफ साफ कह रही हूँ, तुम इलेक्शन से पीछे हट जाओ, मुझे जीतने दो, अपना फैसला वापस ले लो। अरे चरी छोकरी, जब कोई सामने भला होगा तो तू उससे लड़ेगी ना, और वैसे भी सामने लड़ने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। ये तो बाबा तुमको सोचना चाहिए ना। जीतूंगी तो मैं ही, तू तो लड़ने वाली है। मैं लड़ने वाली हूँ? तूने अभी तक ना मेरी लड़ाई देखी नहीं है। अरे चले, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, खामोश हो जाए, ज्यादा बात की तो हलक से जबान खींच लूंगी। ये मेरी शेरनी है, शेरनी। हाँ। और बात सामने हिरनी हो जाती है। अरे चलो भला शेरनी का। अरे बाबा चुप कर ना, खामखा बस कर, बस बाबा। मैं जी बोलो, आप आप लोग यहाँ लड़ रहे, बाहर मीडिया वाले आए हुए, कमाल है। ठीक लग रही हूँ। नाजरीन, जिस तरह भूखा खाने को सूंघकर, पुलिस चोर को सूंघकर और मक्खिया मिठाई को सूंघकर पहुंच जाती हैं, इसी तरह हमारा चैनल धमाका न्यूज HD पहुंच जाता है लड़ाई को सूंघकर। आज यहाँ हो रही है दो औरतों के दरमियान लड़ाई, एक नंद है दूसरी भावज, लेकिन ये नंद भावज की लड़ाई नहीं है, ये हो रही है औरतों के दरमियान हुकूक की लड़ाई। हम आपको मजीद थोड़ी देर में अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। कट। जरीना और सीमा, जरीना और मरीना नहीं। अरे जरीना और मरीना, एक नाम देसी और एक मॉडर्न, इससे ना जरा कंटेंट में जान आ जाएगी। आज से आपका नाम मरीना ही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बस थोड़ी देर में अब आप दोनों की तकरीर करेंगे ताकि हमारी ऑडियंस फैसला कर सके कि कौन जीतने के लायक है और कौन नहीं, ठीक है? अरे बाबा ये सब क्या हो रहा है, कैमरा शैमरा? ये आपका नौकर कौन होता है बीच में बोलने वाला? अरे बाबा तभी से बात करो, मैं नौकर नहीं हूँ। हर पागल यही बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ। नहीं नहीं, ये तो मेरे शौहर हैं। क्या, आपके शौहर? नौकर से शादी? कैमरा ऑन करो, देखिए ये एक नौकर है और ये एक मॉडर्न खूबसूरत लड़की, इसकी जबरन शादी करवा दी गई है एक नौकर से। क्यों शादी करवाई गई है ये हम आपको मजीद आगाह करेंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ रहिएगा। कट। अरे बाबा क्या हो गया है, चलो निकलो यहाँ से, ये मेरा घर है। अरे मैडम तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, ये मेरा आधा है, अब आधा का मेरा मतलब है कि मेरा भाई है और बदकिस्मती से इसका शोर है। अरे बाबा देखो, अब कोई इंटरव्यू नहीं होगा बाबा, और कोई इलेक्शन में ऐसा नहीं लेगा, चलो बस जाओ यहाँ से, बात करते हैं। कैमरा खोलो, देखिए नाजरीन ये है एक जालिम शख्स। कैमरा इधर घुमाओ ना, ये जो इस वक्त सूरत आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये ना एक जालिम और सफाक दरिंदा है, बल्कि अपनी घर की औरतों पर जुल्म भी करता है, और ना ही इन्हें अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने देता है, और ना ही इलेक्शन में खड़ा होने देता है। दरिंदे के बारे में आपको आगाह करेंगे थोड़ी ही देर में, हमारे साथ रहिएगा। कट। आप आए अंदर ड्राइंग रूम में बैठते हैं, चले आ जाओ। कैमरा लेकर, ये तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कैमरा रेडी है ना, स्टार्ट करते हैं। जी हाँ नाजरीन, वुमेन क्लब के इलेक्शन के लिए देसी औरत बमुकाबला शहरी औरत का राउंड शुरू होता है अब, और मैं सबसे पहले आज दावत दूंगी गांव की भोली भाली लड़की जरीना को। आइए जरीना। शुक्रिया शुक्रिया। अरे बाबा तालियां तो बजाओ, मैयत में आई हो क्या? हाँ बाबा, तो मैं कह रही थी कि पूरे इलाके बल्कि पूरे शहर में मुझ जैसी खूबसूरत और कवारी छोकरी नहीं है। अगर आप लोग मुझ जैसी खूबसूरत और हसीन छोकरी को वुमेन क्लब की चेयरमैन बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। देखिए मेरे बात बहुत खूबसूरत है, मेरे को बहुत अच्छा गाना भी गाना आता है, और मैं बहुत अच्छी बातें भी करती हूँ, इतनी सारी खूबियाँ हैं मेरे अंदर। और मैं यही कहूँगी कि अगर आपके घर में आपके भाई वगैरह या आपके रिश्तेदार में से कोई छोकरा है तो आप उसके लिए मेरा रिश्ता ला सकते।
सकती है। बहुत शुक्रिया। बस 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 आप जाके बैठे। अरे तालियां तो बजाओ। मुझे लगता है यहाँ पे किसी और चीज की मशहूरी शुरू हो गई है। अब मैं बुलाऊंगी शहर की लड़की मरीना को, देखते हैं ये क्या कहती है। आइए। जी तो मेरी प्यारी बहनों, सुनिए आपने इस औरत की फजूल किस्म की बातें। कैसी बातें करती है ये, बजाय ये कि ये आप लोगों के हक के लिए, औरतों के हकों की बेहतरी के लिए कोई बात करती, ये तो अपनी मशहूरी करना शुरू हो गई। इसका मसला ही यही है, कहाँ की बात हो कहाँ ला के मिला देती है, और जहालत में तो उसने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेरे बारे में सोचे, मैं कैसे गुजारा करती हूँगी इसके साथ। मेरा बस चले ना तो मैं घर से क्या मोहल्ले से निकाल दूं इसको, बस मेरा बस नहीं चलता। अच्छा, आप लोग बस 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 इतना काफी है। देखा नाजरीन आप लोगों ने शहर की लड़की मरीना को। वैसे अब तक हमें समझ में नहीं आया इन दोनों में से औरतों के हकूक की बात किसने की है। अगर आपको समझ में आए तो आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले राउंड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और कट करो। तो आप सबने क्या सोचा, किसे वोट देंगी? अरे पापा मेरे को और किसको? माफ करना बहन, तुम दोनों ही मुद्दे से बाहर थी। आप उस वक्त तो बहुत बोल रही थी, आपने कौन सा काम की बात बोल दी। अल्लाह भला करे इस मीडिया वाली का, जिसने आप लोगों की मजीद बकवास सुनने से हमें बचा लिया। ये सब छोड़ो, कुछ खाने का भी बंदोबस्त है या ये सब बकवास थी? होगा होगा, इलेक्शन में तो उम्मीदवार खाना खिलाते ही हैं। मेन्यू में क्या है? वो हमारे घर में ना गैस नहीं आ रही, तो इसलिए खाना ना हम बाहर से ऑर्डर करेंगे आज। अच्छा, तो बाहर के खाने का मेन्यू क्या है? अरे जाइलो समझो, अब जलसा खत्म है, कुछ भी नहीं है खाने माने में। ये कैसे जलसा था, ना खाना ना पीना? अरे भला कैसा खाना पीना, जब जलसा जीता ही नहीं तो कहाँ से खाना बना के लाएंगे। चलो अब दफा हो यहाँ से, निकलो। बढ़िया, जाओ भाई सब जाओ, खाना पीना जैसे यहाँ पे निकल, पार्टी चल रही है। अरे बाबा ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? देखिए नाजरीन, ये सिफाक दरिंदा फिर से आ चुका है। आप लोग देख रहे हैं, कैमरा इसकी तरफ घुमाओ, घुमाओ इसकी तरफ, दिखाओ इसको कैसे अपने घर की औरतों से कैसे सफाकी से पेश आता है। कट, जाओ तुम भी जाके चाय वाय पी लो, आराम करो। अब देखना किस तरह से हमारा धमाका न्यूज एचडी तुम दोनों को सुपर हिट कर देगा। अरे भला पर इसमें फैसले का कैसे पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा? हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। अरे इसका फैसला तो अवाम करेगी, हमारा काम है अवाम तक अपनी बात पहुँचाना। अरे भला अगर ये सारा काम मीडिया में मशहूर होकर ही करना था तो भला मेरे को बता देती, मैं इतनी दूर से अपने बाबा साहब को नहीं बुलाती। हाँ मैंने भी बिला वजह ही अपने पापा को बुलवा लिया, जब हमें असल मशहूरी तो मीडिया से मिलनी है ना। क्या आप दोनों के फादर्स यहाँ आए हुए? हाँ हाँ। ठीक है, अगला राउंड होगा फाइनल राउंड, उस राउंड में अपने फादर्स को भी बुला लीजिएगा। ठीक है। ये किसके शौहर हैं? जी इंशाल्लाह ये मेरे शौहर बनेंगे। अरे बाबा जरीना पागल हो गई, ये तू नौकर से शादी करेगी क्या? ये नौकर है और ये मालिक, मैंने कहा था ना ये एक सफाक जालिम है। ऐसा वैसा, ये देखें इसकी सफाकी ने तो मुझे आधी बेबाकी में मजबूर किया हुआ। कैमरा लाओ, मैं इस जालिम को आज बेनकाब करके रहूंगी। अरे बाबा बहन जी, मैंने आपका बिगाड़ा कि आप मेरे पीछे पड़ी क्यों हैं? अरे आप समझ नहीं रहे, आजकल हर औरत के साथ ऐसा विलन टाइप शोहर होना जरूरी है, ऐसा ही कंटेंट बिकता है। मजलूम औरत जालिम शोहर, हाय 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 हाय, धमाका हो जाएगा धमाका। अरे बाबा आप तो HD लगाना भूल गई। अरे वो तो लगेगा ना चैनल के नाम के साथ। वैसे भला ये HD होता क्या है? लो ये जाहिल लड़ेगी इलेक्शन, HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन। वैसे हमारे चैनल के नाम में HD चैनल के ओनर का नाम है, हैबतनाक ढमढेरे। हैला हैबतनाक नाम है भाई। बाबा ढमढेरी भी है ना, गंडेरी से मिलता जुलता है। तो नाजरीन वुमेन क्लब के मुकाबले का लास्ट राउंड है, अब हम इनसे सवालात करेंगे। तो बताइए आप क्या काम करते हैं? बाबा हमारे भैंसों के बाड़े हैं। तो फिर आप क्या काम करते हैं? भाई हमारे भैंसों के बाड़े, क्या ये काफी नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, तो आप वहाँ क्या काम करते हैं? बाबा काम तो हमारे वहाँ नौकर करते हैं, हमारे अपने भैंस के बाड़े हैं बस। अरे मेरा मतलब है आप वहाँ काम क्या करते हैं? अरे बाबा कौन है बाबा ये? भाई मैं बता रहा हूँ कि हमारे भैंस के बाड़े हैं, हमारे अपने बाड़े हैं भैंसों के। तो आपने तो कहा वो भैंसों के बाड़े हैं, आपके कैसे हुए?
देखा नाजरीन, इस बात से साफ जाहिर है कि ये कोई काम नहीं करते, या फिर इनको मालूम ही नहीं कि ये क्या काम करते हैं, या फिर इनके पास ब्लैक का पैसा है जो छुपाने के लिए ये अपनी बेटी को इलेक्शन जितवाना चाहते हैं और सारा पैसा वहां लगाना चाहते हैं। अब चलते हैं शहर की लड़की की तरफ, मरीना, और इनके वालिद साहब की तरफ, इनसे पूछते हैं। एंजॉय करेगा पहले, उसके बाद बात करेगा। अच्छा, अब बताइए आप क्या काम करते हैं? हम डब्बे का दूध देते हैं जी। लेकिन डब्बा कब से दूध देने लगा? आप खरीद के लाएंगे ना तो वो देने लगेगा, और अगर ना खरीदे तो? नहीं खरीद के लाएगा तो वो धक्का मारेगा ना दुकानदार, धक्का। हमने सुना है कि आपके दूध के डब्बे में मिलावट की जाती है। फंस गए, अब दे जवाब। लेकिन आप भी तो अपने बाड़े के दूध में मिलावट करते हैं, आप कौन सा खालिस दूध बेचते हैं? हाँ तो आपका चैनल जो है ना, आग लगाने में भी कोई कम काम तो नहीं करता ना। आप एक्शन के बाद क्या करते हैं बता दूं सबको? अब कट करो कट करो, ये मत लगाना। वाह 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 वाह, ये अच्छी बदमाशी है। खैर, कैमरा ऑन, एक्शन। आप बताइए, आप अपने डब्बे के दूध में मुजरे सेहत केमिकल मिलाते हैं, मिलावट करते हैं? ये जो केमिकल है ये सेहत मुजरे नहीं है ना जी। नाज़रीन, देखा आपने, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये लोग मिलावट करते हैं और अपने काले करतूत भी छुपाते हैं। इधर आओ, जल्दी इधर आओ, कैमरा इधर घुमाओ, दिखाओ इस बंदे को। देखिए नाजरीन, ये शख्स, इसको ऊपर से मैनेजर और नीचे से चपरासी बनाया हुआ है, ये भी एक किस्म की मिलावट है। और ये शख्स, ये जो नौकर बना घूम रहा है, ये मालिक है, ये भी एक किस्म की मिलावट है। अरे बाबा, तुम मुझ पर हंसते हो है? मिलावट करने वाले मुझ पे हंसते हो? तो तुम भी तो हम पे हंस रहे हो ना भैंस वाले। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। देखो अशमत, मैं तुम्हें कहता हूँ तमीज से बात किया करो मेरे साथ। बकवास नहीं करने का, जान नहीं, मेरा बंदूक लेके आने का। अरे बाबा बच्चू, ओ गाँव जाओ, जाके मेरा तोप लेके आओ। तोप लेके आओ जिससे तोता तोप चलाता है। तू मिलावट करता है? तू जो करता है ना, वही बोलने का ना मेरे को। नहीं, मेरे मेरी अपनी भैंसे हैं, मेरा अपना दूध है। तुम तो खामा का पता नहीं डिब्बे का दूध बेचते हो। आज मैं देखता हूँ उसको, ये कैसे बचेगा। नहीं छोड़ूंगा नहीं। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम लगा के आग निकल के भाग अपने अख्तिताम को पहुंचता है। आपसे मिलेंगे अगली एपिसोड में कहीं और आग लगाने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए धमाका न्यूज HD। कट, चलो काम हो गया हमारा। अरे बाबा, ऐसा क्या कह दिया है मैंने? अरे दुनिया में सब लोग, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मैं अकेला तो नहीं हूँ ना। जानी बेटा, हो ना हो मैडम का पत्ता कटने वाला। मगर अद्दा साईं चोरों की तरह कहाँ गए? मैडम मैं कहता हूँ ये आपको तलाक दे के रहेगा, लिख लें आप। क्या तलाकनामा अपना लिखूं? अरे मेरा मतलब ये है कि ये बच्चू भाई जो है ना, आपको छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। अदी, एक तो तुझे हर वक्त शादी की पड़ी रहती है। बाबा अंदर जाओ, बाबा मुझे एक जरूरी बात करनी है फोन पे। और कितना अंदर जाओ, पहले ही घर में हूँ बाबा। अब क्या अकबर बादशाह की तरह दीवारों में चुन जाऊं? छोड़ो जाने, फिर वही बेकार की बात कर रहे होगे तुम। अरे मैंने इन गुनाहगार कानों से सुना है। अपनी आंखों से देखा है क्या? कोशिश मैंने बड़ी की देखने की, लेकिन मौका नहीं मिला, लेकिन सुना मैंने साफ साफ है। बच्चू। अच्छा पापा, मेरी बीवी जाग गई है, बस सुबह बात करते हैं, अल्लाह हाफिज़। बच्चू। अरे बाबा क्या हो गया है, क्यों शोर मचा रही हो? हाँ वहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बाबा वो नींद में नीचे गिर गया था। अरे अदी तू तो चुप करना, तुझे तो कुछ नहीं पता, तू तो दीवार में वो अकबर बादशाह को चुनवा रही थी। क्या अकबर बादशाह को? मगर मेरे अदासा ही तो बता रहे थे कि जोधा भाई को दीवारों में चुनाया था। ऐसा करो जानी, तुम सारा खाना ना बच्चों के पसंद का बनाओ, मैं अच्छा सा तैयार होके आती हूँ। एक बात बताएं, ये सौकन का इस्तेमाल सच सवर के करेंगी? जानी ये अदा साहिब पुर इसरार नहीं लग रहे दो तीन दिनों से। देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन मैडम मेरी बात का एतबार ही नहीं कर रही। वो क्या साहब ना, मैडम को तलाक देने का सोच रहे। अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।